बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे और वहां दो बड़ी रैलियों को उनके द्वारा संबोधित किया जाएगा। उनकी पहली रैली डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में सुबह करीब 11:30 बजे होनी है और यहां के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुटलेहड़ विधानसभा पहुंचेंगे और दोपहर करीब 2:30 बजे यहां एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मिशन हिमाचल प्रदेश पर है बीजेपी और एक बार फिर से बीजेपी अपना टर्म रिपीट करने के लिए तैयार है और इसके लिए उसने अपनी पूरी फौज को तैयार कर दिया है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों को इस पर लगा दिया गया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि डोनेस्क में उसकी सेना के हाथों मुंह की खा रहे रूस ने वहां बदला लेने के लिए इंसान की चमड़ी तक गला देने वाले फॉस्फोरस बम से हमले शुरू कर दिए, जिसके सबूत के तौर पर यूक्रेन की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों। लेकिन असल में वो आतिशबाजी नहीं बल्कि शोलों की ऐसी बरसात थी जो डोनेस्क प्रांत के डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। शहर पर आसमान से मौत बनकर बरस रही थी। दावा किया गया कि इस वीडियो को यूक्रेन के ही एक सैनिक ने रिकॉर्ड किया। यूक्रेन का आरोप है कि आग के ये छोटे छोटे गोले फॉस्फोरस बम से हुए धमाके की वजह से वहां नजर आए। यूक्रेन इससे पहले भी रूस पर फॉस्फोरस बम गिराने का आरोप लगा चुका है। यूक्रेन ने मई में भी दावा किया था कि रूस ने मारियोपोल में अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा करने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया था, तभी उससे हमले का एक वीडियो सामने